रांची के गुरु नानक स्कूल में SIP एबेकस के द्वारा 110 बच्चों को सम्मानित किया गया। बच्चों में कितनी उत्साह इस कार्यक्रम को लेकर और बच्चों के अभिभावक ने क्या कुछ कहा है, क्योंकि लगभग 4 सालों से 11 लेवल जो है आप कह सकते हैं 11 लेवल पार करना होता है बच्चों को, और आप कह सकते हैं तार्किक शक्ति बच्चों में मैथमेटिक्स किस तरीके से और भी मजबूत से ज़्यादा कम समय में बना सके, इन सभी कार्यक्रमों को लेकर जो है बच्चों में सम्मानित का जो कार्यक्रम आज किया गया है इसको लेकर बच्चों में काफ़ी उत्साह है। और चूँकि कोरोना काल होने के बावजूद जो है आप कह सकते हैं बच्चे इसमें लगे रहते थे दिन रात, और आज जब स्कूलें अब खुल रही हैं तो बच्चों में आज यह कार्यक्रम आप कह सकते हैं सम्मानित कार्यक्रम जो है बच्चों के द्वारा बच्चों के लिए रखा गया था, इसमें क्या कुछ कहा है अभिभावकों ने बच्चों ने, देखिए। ये बच्चों का सबसे बड़ा अचीवमेंट है SIP एबेकस का GMC कॉन्वोकेशन। इस पे बच्चे 4.5 साल प्रैक्टिस करने के बाद 11 लेवल पार करते हैं। ड्यू टू कोविड के कारण हम लोग 2020 और 2021 के बैच को ये कॉन्वोकेशन नहीं करा पा रहे थे। आज हमें मौका मिला है, गवर्नमेंट ने आज परमिशन दिया है कि आप स्कूल खोल सकते हैं और हम लोग ये गैदरिंग कर सकते हैं। तो आज हम लोगों ने करीब 110 बच्चों को स्टेट हेड इकबाल सिंह होरा मैं और हमारे सेंटर हेड प्रीति मैडम जो अपने ओवरब्रिज ब्रांच और अशोक नगर ब्रांच के 110 बच्चों को कॉन्वोकेशन दे के सम्मानित किया जा रहा है। आज हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर में प्रिंसिपल गुरु नानक स्कूल के मनोहर सर हैं, आचार्य कुलम के प्रिंसिपल मैडम सुजाता मैडम भी हैं और हमारे रिटायर्ड प्रिंसिपल फ्रॉम ऑक्सफोर्ड रश्मि बख्शी मैडम भी हैं। साथ में हमारे और भी बहुत स्पेशल गेस्ट आए हुए हैं जो बच्चों को सम्मानित दे रहे हैं। एबेकस प्रोग्राम बच्चों के स्किल्स को बढ़ाता है, उनकी लर्निंग एबिलिटी को बढ़ाता है, और आज हम लोग पेरेंट्स से भी बहुत सारा थैंक्स मैसेज मिल रहा है, व्हाट्सएप में भी पेरेंट्स दे रहे हैं कि किस तरह से उनके बच्चों में लाइफ में चेंजेस दिया है ये SIP एबेकस प्रोग्राम। मैं सभी पेरेंट्स को, सभी गेस्ट को, सभी बच्चों को थैंक्स करना चाहूँगा, स्पेशली अपनी टीचर्स को जिन्होंने इतना मेहनत किया। तो थैंक्स, आप लोग आए, समय दिए, और मैं चाहूँगा कि आने वाले जनरेशन्स एबेकस को समझे क्या है, रियलिटी में क्या है और किस तरह के चेंजेस आते हैं, ये हमारे पास आउट बच्चों से आप ज़रूर मिले। अब मैं क्लास 4 से एबेकस से जुड़ी हुई हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि पहले मैं जो पढ़ाई करती थी पहले ज़्यादा था कि पहले क्रैमिंग था, पहले खुद से सिर्फ याद करना था। अभी कंसंट्रेशन बहुत बढ़ गया है, याद करने में बहुत इजी होता है। जैसे बाकी बच्चे हम लोग की क्लास में हैं तो मुझे ये डिफरेंस लगता है कि मैं उनसे ज़्यादा जल्दी याद कर पाती हूँ, ज़्यादा जल्दी कैचअप कर पाती हूँ कुछ भी चीज़ का। मैथ्स भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव। क्या ये ऑनलाइन हो रहा था सब कुछ? ऑनलाइन लॉकडाउन के समय था, पहले ऑफलाइन था। क्या कुछ मतलब कि इसके दरमियान क्या कुछ करना होता है, कैसे पढ़ाई करनी है? हम लोग को अब एक अबाकस रहता है, उसमें पहले अबाकस से बीड्स रहते हैं, उसमें पहले कैलकुलेशंस हम लोग सीखते हैं, उसके बाद फिर धीरे धीरे डेवलप होते होते हम लोग बिना अबाकस के विजुअल भी उसको कर सकते हैं। सलमान इकबाल है, मैं क्लास 10th का बच्चा हूँ, मैं कैरली स्कूल से पढ़ा हूँ, और मैं अबाकस के बारे में यही कहना चाहूँगा कि ये बहुत अच्छा एक लर्निंग प्लेटफॉर्म है बच्चों को। ये हमारा ब्रेन को डेवलप करता है, हम लोग को एक डिसिप्लिन के तौर पे रखने के लिए हम लोग को डिसिप्लिन रखने के लिए करता है और हम लोग को कैलकुलेशन स्पीड करता है। बच्चा एक चाहे तो उसको एक डिटरमाइन करके वो अपना आगे का कोई भी गोल इससे प्राप्त कर सकते हैं, उसको एक डिटर्मिनेशन का पावर मिल जाता है ये प्रैक्टिस करके। और साथ ही साथ आपका कैलकुलेशन होगा, जो कि आपका कोई भी मैथ्स का प्रॉब्लम हो या कोई अलग सब्जेक्ट का प्रॉब्लम हो तो फिर वो आपको की है जी। क्लास 4 से बड़ी वाली, छोटी वाली क्लास 1 से की है, बहुत अच्छा इसका फ़ायदा हुआ है हम लोग को। मैथ बहुत अच्छा हो गया, कॉन्सेंट्रेशन अच्छा हो गया, बच्चा लोग का पढ़ाई अच्छा से करता है। एबेकस, मेरा नाम जावेद इकबाल है जी। मैं पुलिस डिपार्टमेंट में CID डिपार्टमेंट में हूँ जी। मेरा बच्चा 4 साल से एबेकस में रहा। मैं हर गार्जियन को कहूँगा कि अपने बच्चे को एबेकस का जो है उससे ब्रेन का जो है डेवलपमेंट, और मैंने एबेकस में एडमिशन के बाद ये महसूस किया कि जो इसके इस बच्चे के साथ ही उन लोगों में इन लोगों में जो है काफ़ी जो है डिफरेंस आया। इस समझा ये है कि थोड़ा टाइम तो निकालना पड़ेगा, लेकिन उससे जो है इनके कैलकुलेशन का तरीका, उसका सिस्टम में बहुत जो है फ़र्क आ जाता है जो जनरल स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं। न्यूज़ अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।